क्या हुआ था जब फेलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी में आया, तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि वो मोरूला से अब उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहने लगे थे? यूट्राइन फ्लूइड अंदर गया, इट विल, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जितने भी सेल्स थे वो क्या हो गया, इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. पहले तो स्मॉल स्मॉल स्पेसेस. सिट डाउन. बार बार नहीं बोलूंगी कि पीछे नहीं बैठना, आगे बैठना है. तो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, इन विच द मेन प्रोसेसेस क्या होगा, देर इज अ प्रोसेस कॉल गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड देर इज अ प्रोसेस इन विच न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूरोलेशन. तो बेसिकली हम ये तीन स्टेप्स देखेंगे आज. जस्ट रिकैपिटुलेशन के हमने प्रीवियसली फर्स्ट वीक में क्या दिखा था. तो फर्स्ट वीक में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था मेल और फीमेल गैमेट का, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. फिर जायगोट का क्या हुआ था, और वो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था आपको, इन द एम्बुलरी पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब, एंड देन रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन से 2, 4, 6, 8, 16 स्टेज में गया. ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, मोरूला बोला. मोरूला अब क्या है, ये यूट्राइन ट्यूब में साथ साथ ट्रैवल भी कर रहा था, एंड नाउ इट हैज टू रीच इन द कहाँ, यूट्राइन कैविटी में एंटर करना है इसको. व्हेन इट एंटर्स द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन फ्लूइड एंटर्स द मोरूला और छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट किया. देन ऑल दीज स्पेस कोलैप्स एंड फॉर्म अ बिग स्पेस, एंड देन जो जो सेल थे मोरूला के वो दो इसमें डिवाइड हो गए. द आउटर सेल इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, है ना. द आउटर सेल को हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा और इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट कहा. और इस कैविटी को जो इन दोनों के बीच में डेवलप किया, दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस. तो दिस इज द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस. ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक में आपका ब्लास्टोसिस डेवलप हो गया था और इम्प्लांटेशन का बिगनिंग भी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गया था, है ना. तो इट विल इरोड द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड स्टार्टेड इम्प्लांटेशन. दिस ब्लास्टोसिस स्टार्टेड इट इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, एंड दिस इम्प्लांटेशन गेट कंप्लीटेड इन सेकेंड वीक. सेकेंड वीक में पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें जो भी चेंजेस हो रहा है, इट विल इम्प्लांट. पहले तो क्या होगा, इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फिब्रिन क्लॉट, एंड देन द होल एंडोमेट्रियम विल अगेन रीहील और द होल इम्प्लांटेशन विल अकर. सो दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ फर्स्ट वीक. ये मेजर इवेंट्स थे सारे आपको फर्टिलाइजेशन तक हुए, फ्रॉम इम्प्लांटेशन टिल मूवमेंट इन टू द यूट्राइन कैविटी एंड देन फर्टिलाइजेशन. वो भी बिगनिंग क्या हुआ, जस्ट द इनिशिएशन ऑफ इम्प्लांटेशन. वेयर एज इन द सेकेंड वीक, अच्छा सेकेंड वीक में आपने पढ़ा होगा कि टू इम्पॉर्टेंट, मतलब इट इज द स्टेज ऑफ टू भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी. एम्ब्रियोब्लास्ट दो में डिवाइड हो गया, ट्रोफोब्लास्ट दो में डिवाइड हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था वो भी दो में डिवाइड हो गया. तो उसको स्टेज ऑफ टू टू से भी याद रख सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली स्टेज में सबसे पहले क्या हो गया कि जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट था ड्यूरिंग टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, इट विल डिवाइडेड इनटू टू लेयर. द आउटर इज नोन एज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर सेल इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट. क्या डिफरेंस है कि सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में सेल बाउंड्री नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट है, वेयर एज साइटोट्रोफोब्लास्ट में प्रॉपरली बाउंड्रीज प्रेजेंट है. तो दिस इज द आउटर ट्रोफोब्लास्ट और ये क्या था, इनर आपका एम्ब्रियोब्लास्ट था. दिस आउटर ट्रोफोब्लास्ट इट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर, द आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जिसकी सेल बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी, और इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट जिसकी सेल बाउंड्री क्या थी, डिफाइंड थी. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच हैपेंस इन द सेकेंड वीक. अच्छा सेकेंड वीक में आपने मेनली क्या पढ़ा था कि देर इज बायलेमिलर जर्म डिस्क का डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, क्या हुआ, बायलेमिलर जर्म डिस्क का डेवलपमेंट हुआ. तो वो बायलेमिलर क्या था, क्या हुआ, जो आपका इनर सेल मास था दैट इज द एम्ब्रियोब्लास्ट. तो दिस इज द इनर सेल मास विच इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट. ये क्या हुआ, इट विल डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स, वन इज नोन एज एपिब्लास्ट एंड वन इज नोन एज साइटोब्लास्ट. ठीक है ना, तो दिस ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, दिस इज द एपिब्लास्ट और यहाँ पे सेल्स का शेप क्या है, इट इज कॉलमना शेप. कॉलमना आई थिंक सबको पता है कि जिसका हाइट ज्यादा होगा और विड्थ कम होगा. ठीक है, और जो दूसरा लेयर डेवलप करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट. और ये हाइपोब्लास्ट में कैसे सेल्स होंगे, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स. तो यहाँ पे आपको लो क्यूबॉइडल या सेल होंगे और यहाँ पे कॉलमनर सेल्स होंगे. इनिशियली क्या होता है, जो ये इपी ब्लास्ट होता है, इपी ब्लास्ट क्या करता है,
और जो आपका साइटोट्रोपोब्लास्ट है उन दोनों के बीच में स्पेसेस क्रिएट होने लगती है, तो दिस स्पेस क्रिएट एंड दिस स्पेस इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। और जो ये एपिब्लास्ट के सेल है ये कुछ सेल यहाँ पे रिलीज करते हैं विच इज इन रिलेशन विद द साइटोट्रोपोब्लास्ट। बस डिफरेंस क्या है, ये वाले जो सेल्स होते हैं ये स्क्वामस सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स, ठीक है। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एमनियोब्लास्ट भी कहते हैं या एमनियोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। तो इस एपिब्लास्ट और ये एमनियोजेनिक सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। अब नाउ फिर क्या होता है, जो ये हाइपोब्लास्ट सेल है विच इज अ क्यूबॉइडल लेयर ऑफ सेल, ये भी क्या करते हैं, ये ट्रोपोब्लास्ट के इनर में सेल का एक लेयर बनाते हैं एंड दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज हॉजर्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, हॉजर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड नाउ क्या होता है इसकी, और ये जो कैविटी था जिसको हम पहले क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस कैविटी, है ना, ये क्या कह रहे थे इसको, ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस कैविटी, नाउ दिस कैविटी इज नोन एज प्राइमरी ऑफ सेल। जब हॉजर्स मेम्ब्रेन ने पूरे ट्रोपोब्लास्ट को कवर कर लिया फ्रॉम इन साइड, देन दिस कैविटी इज नोन एज प्राइमरी ऑफ सेल। तो क्या क्या इस वीक में डेवलप कर गया, जो आपका ट्रोपोब्लास्ट था इसमें दो लेयर का डिवीजन हो गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। जो आपका जर्म डिस्क था वो भी अब डिफरेंशिएट होकर के दो लेयर का बन गया, वन इज नोन एज एपिब्लास्ट जिसमें कॉलमनर सेल है एंड वन इज नोन एज हाइपोब्लास्ट विच हैज क्यूबॉइडल सेल। और इन दोनों के बीच में दो कैविटी डेवलप कर गई, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी एंड दिस कैविटी इज नोन एज प्राइमरी ऑफ सेल। इसके रूफ को जो कवर कर रहा है इसको एमनियोब्लास्ट सेल कहते हैं और यहाँ जो कवर कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नाउ जो आपका सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट था उसमें क्या हुआ, कुछ स्पेसेस डेवलप किए, इनको हम क्या बोलते हैं, लैकुनी। क्या कहते हैं, तो दीज आर द लैकुनी विच विल डेवलप इन द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। अब ये लैकुनी क्या करेगा, ये लैकुनी है वो और आगे बढ़ेगा, ट्रैबुकुली बनाएगा और दीज ट्रैबुकुली विल इरोड द, ये वाला कौन सा साइड है, ये मैटरनल साइड है ना, है ना, यूट्राइन एंडोमेट्रियम वाला साइड है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो ट्रैबिकुली बनाया है दिस विल इरोड द यूट्राइन, जो वेसल्स होंगे उनको इरोड करेगा, मैटरनल ब्लड वेसल्स को इरोड करेगा और ड्यू टू इरोजन ऑफ दीज मैटरनल ब्लड वेसल इन लैकुनी की जो स्पेसेस होगी इसमें ब्लड का फ्लो आ जाएगा, क्योंकि इसी से क्या होगा, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट का कहाँ होता है, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है। तो दिस, ये जो आपके जितने भी लैकुनी डेवलप किए थे दैट विल फॉर्म ट्रैबिकुली और बाहर की तरफ जाएगा, इरोड करेगा मैटरनल ब्लड को, जिसकी वजह से मैटरनल ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दीज लैकुनी, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई, दूसरा अब क्या हो गई, यहाँ पे आपने देखा ये एमनियोब्लास्ट सेल है, दिस इज एपिब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट एंड दिस लेयर इज नोन एज हॉजर्स मेम्ब्रेन। अब क्या है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वे और पूरे जैसे जैसे आपका जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो और ग्रो करेगा और चारों तरफ से फिर से अगेन उसको कवर करेगा। अदरवाइज आपने इस इमेज में क्या देखा था, दिस इज लिमिटेड ओनली अप टू दिस, यहाँ पे नहीं कवर है, बट फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट इसको बाहर से पूरी कवर कर रहा है, फाइनली इट कवर्स द होल। और जो ये हॉजर्स मेम्ब्रेन है और साइटोट्रोफोब्लास्ट है इन दोनों के बीच में एक और मेसोडर्म का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये कैविटी के बाहर है तो इसीलिए इसको क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो का है इसके बाहर है, तो इस मेसोडर्म को हम क्या बोलेंगे, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, दिस ग्रीन कलर जो सेल दिख रहा है आपको, दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो येलो दिख रहा है ये हॉजर्स मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक ब्राउन कलर का लेयर डेवलप कर गया, दिस लेयर इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ग्रो करेगा और चारों तरफ से यहाँ एमनियोब्लास्ट और यहाँ हॉजर्स मेम्ब्रेन और चारों तरफ जो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है इन सब के बीच में, है ना, देखो यहाँ पहले टिल यहीं तक था ये ब्राउन लेयर, अब इसमें पूरे चारों तरफ से ये कवर कर लिया है इसने, ठीक है। तो द होल इज सराउंडेड, द होल एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में स्मॉल स्मॉल स्पेसेस डेवलप करेंगे, दीज स्पेसेस इसको क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक कैविटी, एक्स्ट्रा सिलोमिक कैविटी कहते हैं। दिस सिलोमिक कैविटी कोलैप्स करके बड़ा कैविटी बना लेगा एंड दस इट विल डिवाइड दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनटू टू, वन इज नोन एज सोमैटोप्लूरिक लेयर एंड वन इज नोन एज प्लैंक्टोप्लूरिक लेयर, ठीक है। ये जो आपके स्पेसेस डेवलप किए हैं ना ये कोलैप्स करके एक बड़ा स्पेस, बड़ा सिलोमिक कैविटी बना देंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक कैविटी और द कोरियोनिक कैविटी,
एंड दस इट विल डिवाइड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनटू टू. दिस पार्ट विच लाइज द ऑस्मस मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्लैग्लोप्यूरिक मेसोडर्म, और जो बाहर की तरफ है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म. तो सब कुछ दो दो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आप टू से याद रख सकते हो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को. ठीक है, तो इट विल डिवाइड इंटू टू. एंड फर्दर क्या होगा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है जो, और जो सिलोमिक कोरियोनिक कैविटी है वो एक्सटेंड करेगा एंड पूरे में कवर कर जाएगा एक्सेप्ट देयर एम्ब्रियोप्लास्ट के पास, यहाँ पे रह जाएगा. दिस इज नोन एज कनेक्टिंग स्टॉक, जो कि बाद में क्या बनाएगा, अम्ब्राइकल कॉर्ड बनाएगा. ठीक है ना, तो इट इज अटैच ओवर हियर. उसके बाद और क्या डेवलपमेंट आपको मैम ने पढ़ाया होगा कि क्या हो जाता है, जो प्राइमरी यॉर्क सैक है, दिस इज द प्राइमरी यॉर्क सैक, इसकी क्या हो जाती है, पिंचिंग हो जाती है, इसके इसका थोड़ा सा पोर्शन सेपरेट हो जाता है. तो जो प्राइमरी यॉर्क सैक है अब क्या हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी यॉर्क सैक कहते हैं, है ना, क्योंकि इसी का कुछ पोर्शन ये अलग हो जाता है और इस जो पोर्शन यहाँ से सेपरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सिलोमिक सिस्ट. ठीक है, ऑन दिस अकर्स ड्यू टू पिंचिंग ऑफ प्राइमरी यॉर्क सैक. पिंचिंग हो गया, वो छोटा हो गया, उसका एक पोर्शन पिंच होकर के बाहर निकल गया, जो बाहर निकल गया उसको हम क्या बोलते हैं, बाद में ये खत्म हो जाता है, एक्स्ट्रा सिलोमिक सिस्ट. और जो पोर्शन इसका रह गया स्मॉल प्राइमरी यॉर्क सैक से छोटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी यॉर्क सैक. तो टिल हेयर आपने देखा होगा सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में. तो ट्रोफोब्लास्ट दो में चेंज हो गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि अगर इम्ब्रियो आप पहले का नहीं जानेंगे तो अभी मैं क्या पढ़ाऊंगी वो आपको नहीं पता होगा, इसीलिए जस्ट आपको हर लेक्चर से पहले रिवाइज करवा रहे हैं हम. ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सोमैटो और स्प्लैंक्लोप्यूरिक लेयर. ठीक है, जो इम्ब्रियोब्लास्ट था वो भी डिवाइड हो गया हाइपोब्लास्ट इपीब्लास्ट में. दो कैविटी डेवलप हो गया, कौन सी, एमनियोटिक कैविटी एंड फाइनली सेकेंडरी, पहले प्राइमरी और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी यॉर्क सैक. और क्या हुआ, जो एक्स्ट्रासिलोमिक मेसोडर्म था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वो भी दो लेयर में चेंज हो गया, एक जो ऑस्मस मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है वो स्प्लैंक्नो, और जो बाहर की तरफ है वो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म. तो एवरीथिंग हैपेंस टू 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 टू. ठीक है, अब नाउ द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर द मेजर इवेंट्स विच आकर ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट. अब जो ये बायलैमिलर जर्म डिस्क है जिसमें दो लेयर थी, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, अब ये कन्वर्ट होकर के क्या बनाएगा, थ्री जर्म लेयर की डिस्क. ठीक है, तीन लेयर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और सारी बॉडी की जितनी भी ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय दीज थ्री जर्म लेयर. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रोलेशन. ठीक है, तो अब दो जो था वो किस में कन्वर्ट होगा, थ्री लेयर में, और इसका जो इनिशिएशन होगा वो कैसे होगा, एक प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप होगा एपिब्लास्ट में, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, इट विल लीड टू द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोलेशन. तो सबसे पहला क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप होगा, कहाँ डेवलप होगा, इपीब्लास्ट में, है ना, अभी पढ़ाया ना मैंने इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, तो इस इपीब्लास्ट में प्रिमिटिव स्टीक डेवलप होगा जो कि इनिशिएट करेगा और लेयर्स को डेवलप करने के लिए, एंड दैट व्हेन देयर आर थ्री लेयर ऑफ जर्म डस्ट देन दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रोलेशन. उसके अलावा क्या होगा, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, एलेंटोइस का. अब जो मैंने, अच्छा सेकेंड वीक स्टेज में एक चीज रह गया कि क्या हुआ था, प्राइमरी विलाई का डेवलपमेंट हो गया था. क्या होता है प्राइमरी विलाई, हाँ? अभी जो मैंने बताया साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इनर सेल की जिसकी बाउंड्री है वो क्या होगा, कॉलम के शेप में सिंसिटियो को जाकर के इरोड करेगा. तो अंदर में क्या होगा, कॉलम शेप साइटोट्रोफोब्लास्ट, और बाहर में उसके क्या होगा, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. इस टाइप के विलाई को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी विलाई कहते हैं. ठीक है, तो ये इस डायग्राम में यहां दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये क्या हो रहा है, ये ग्रो करके कहा जा रहा है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. तो अंदर में साइटोट्रोफोब्लास्ट है, बाहर में इट इज कवर्ड बाय सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी विलाई. प्राइमरी विलाई का डेवलपमेंट आपका सेकेंड वीक में हो जाता है, बाकी नेक्स्ट स्टेज में जाओगे तो सेकेंडरी और टर्शरी विलाई का होगा, और टर्शरी विलाई जब डेवलप कर जाएगा तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब आपका यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, तो वो आपका थर्ड वीक में होगा. एंड लास्टली न्यूरलेशन. न्यूरलेशन में क्या होता है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब. सो ऑल दीज इवेंट वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्लास. तो फर्स्ट क्या बताया मैंने, कि गैस्ट्रोलेशन होगा. गैस्ट्रोलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायलैमिनर च्यूइंग गम, आया करो क्लास में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब भी करते हो. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपको बाय, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो मैंने नहीं कहा,
और कहा भी आपको तुम भी खाओगे तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, इसलिए पहले बता दे रही हूँ। डीएच में, लेक्चर थिएटर में काफी अनोइंग सा लगता है कि आप बैठ के च्युइंगम खा रहे हो, इसको खाना है, खा करके आए करो भाई क्लास में, और भी फर्स्ट सीट पे बैठ के च्युइंगम खा रहे हैं, ठीक है। तो इस पीरियड इसमें क्या हुआ कि जो बायलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क था जिसमें क्या था एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये कन्वर्ट होकर के क्या बनाएगा, ट्राइलेमिनर डिस्क बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सॉरी गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर, अब इस इमेज में देखो, ये देख लो, अब बाकी चीजें छोड़ दो, व्हाट इज प्रिमिटिव नॉट प्रिमिटिव, ये जो ऊपर वाली लेयर है मानो बस यहां से इस इन दोनों को हमने दिखाया है, एक एपिब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो जो अपर वाली लेयर दिख रही है दिस इज द एपिब्लास्ट, और जो ये नीचे वाली क्यूबॉइडल सेल की लेयर दिख रही है दिस इज हाइपोब्लास्ट, और ऊपर जो कॉलम में दिख रही है, अब यहां से दो के बीच में एक और लेयर डेवलप कर जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और नाउ जो ऊपर वाला लेयर है उसको एक्टोडर्म और नीचे वाला लेयर को एंडोडर्म कहेंगे। तो ये तीन लेयर जब फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, और यहाँ पे थ्री जर्म लेयर हो जाएगा। तो इनिशिएशन जो होता है गैस्ट्रुलेशन का बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव सीड, ठीक है। सबसे पहले जो कॉडल पोर्शन ऑफ जो आपका इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो के स्टेज में दो लेयर है, ऊपर वाली एपिब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट में कैसे सेल है, कॉलमनर, नीचे हाइपोब्लास्ट में कैसे सेल है, क्यूबॉइडल सेल। तो अब मान लें कि एक पोर्शन में यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रीक डेवलप होगा, यहाँ पे सेल ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट होने लगेंगे और ये एलिवेट हो जाएंगे पोर्शन से, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा, प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप जब करता है तो ये क्या करता है कि ये इम्ब्रियो का स्टैब्लिश कर देता है कि जिस एंड पे प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप किया है वो इम्ब्रियो का कॉडल एंड होगा, है ना, लोअर पोर्शन होगा, और जो उसका अपोजिट एंड होगा वो उसका पोर्शन क्या होगा, वो क्रेनियल एंड होगा। तो इट इज द स्टेज वेयर देयर इज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेनियल एंड कॉडल एंड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। इसी स्टेज में जहां प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप किया वो उसका कॉडल एंड हो जाएगा, और जो दूसरा एंड होगा वहां पे उस एंड को क्या बोलोगे, क्रेनियल एंड ऑफ एम्ब्रियो बोलोगे। तो नाउ जो ये दो लेयर था ऊपर में, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, यहाँ के सेल्स पॉलीफ्रेट करके एक एलिवेशन बनाएंगे, दिस एलिवेशन इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा, प्रिमिटिव स्ट्रीक ग्रो करेगा क्रेनियली और यहाँ पे आकर के एक एलिवेशन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव नॉट। तो एक लाइन की तरह एलिवेट किया जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहें, और एंड पे एक राउंडेड एलिवेशन प्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव नोड। क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव नोड। अब इस प्रिमिटिव नोड में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पिट और द ब्लास्टोपोर। जो लोअर मैमल्स होते हैं ना उनमें उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव पिट। तो विद इन द प्रिमिटिव नोड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्रेशन नोन एज प्रिमिटिव पिट और द ब्लास्टोपोर, ठीक है। अब दूसरा नीचे की साइड देखो, ये वाला कौन से सेल्स थे, हाइपोब्लास्ट सेल थे। हाइपोब्लास्ट सेल्स कैसे थे, क्यूबॉइडल थे, बट एट द क्रेनियल एंड फ्यू ऑफ द सेल इज कन्वर्टेड इनटू कॉलमनर सेल, और इस कॉलमनर सेल्स जहां पे फॉर्मेशन हुआ है उसको हम प्री कॉडल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कॉडल प्लेट। तो क्या हो गया कि जो ऊपर वाली लेयर थी क्यूबॉइडल सेल की, जो एपिब्लास्ट की सेल थी, उसके लास्ट एंड में कॉर्डल एंड पे कुछ सेल पॉलीफ्रेट करेंगे और एक स्ट्रीक, एक लाइन बनाएंगे जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। प्रिमिटिव स्ट्रीक एट इट क्रेनियल एंड एक राउंडेड एलिवेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट एलिवेशन इज नोन एज प्रिमिटिव नोड, और उस प्रिमिटिव नोड में एक डिप्रेशन होगा, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव पिट और द ब्लास्टोपोर। वेयर एज ऑन द क्रेनियल एंड फ्यू सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट के सेल कैसे थे, क्यूबॉइडल थे, वो क्या होगा, पॉलीफ्रेट होगा और वो क्या बनाएंगे, कॉलमनर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस कॉलमनर सेल्स इज नोन एज प्री कॉडल प्लेट, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक कब अपेयर होता है, इट विल अपेयर इन थर्ड वीक, दैट इज ऑन 15th डे, और यही क्या करेगा, इट विल इंड्यूस गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो इस इमेज में देखो आप, है ना, ये इम्ब्रियो दिख रहा है आपको, दिस इज एपिब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट, इसी को दिखाया गया है, यहाँ पे एक लाइन डेवलप कर गया, दिस इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसका यहाँ पे राउंडेड एलिवेशन प्रोड्यूस किया, दिस नोन एज प्रिमिटिव नॉट,
और हाइपोब्लास्ट के लेयर में यहाँ की क्यूबॉइडल सेल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉलमनर सेल एंड दिस कॉलमनर सेल्स इज नोन एज प्री कॉडल प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस पे काट करके ऐसे दिख रहा है। अब अच्छा, ये जो प्रीमिटिव नॉट है ना या नोड, इसको हम हैंसन्स नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंसन्स नोड। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसन्स नोड। बेसिकली पहले इसको यहाँ पे देखो, तो दीज आर द टू लेयर्स ऑफ सेल, दिस इज द एपिब्लास्ट, और बीच में सोचो कि ये यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ये एपिब्लास्ट की सेल है और यहाँ पे इसके भी इसके नीचे जस्ट हाइपोब्लास्ट के सेल है। तो इनिशियली क्या होता है कि देयर वॉज अ रिलीज, इनिशियली क्या होता है कि जो एपिब्लास्ट के सेल है, अच्छा पहली बात कि एपिब्लास्ट की जो सेल है वही तीनों लेयर ऑफ ट्राइलेमर, जो आपका जर्म डेस्क है, वो तीनों की तीनों आपकी किससे बनेगी? एपिब्लास्ट से। हाइपोब्लास्ट जो होती है वो पूरी की पूरी डिस्प्लेस हो जाती है। किस चीज से बनी तीनों जर्म लेयर? इट इज फॉर्म फ्रॉम ओनली एपिब्लास्ट, इट इज नॉट फॉर्म फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। तो जो आपकी एपिब्लास्ट के सेल है उसमें क्या होता है कि देयर वॉज इनिशिएशन, क्या करता है कि एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसको कहते हैं हैलुरोनिक एसिड। हैलुरोनिक एसिड का नेचर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तो वो क्या करता है कि मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। तो जब मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है ना, तो ये एपिब्लास्ट है, दिस इज हाइपोब्लास्ट, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आना शुरू करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक स्पेस डेवलप्ड हो जाएगा। तो जो अब आपका बाइल एम्ब्रियोनिक डिस्क था वो आपको ब्लॉटेड अपीयरेंस दिखेगा। समझ में आ रहा है? जो ऊपर की एपिब्लास्ट है इसी का काम है, यही बना रहा है सब कुछ। ठीक है, तीनों जर्म लेयर। तो जो एपिब्लास्ट के सेल से ये क्या करते हैं, हैलुरोनिक एसिड को रिलीज करते हैं। हैलुरोनिक एसिड का नेचर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। तो वो वाटर को बाइंड करे, तो बाइंड करेगा तो क्या करेगा, इन दोनों लेयर के बीच में एक गैप प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्यूपाई करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो आपका ऐसे फ्लैटेंस था दिख रहा था डिस्क, जर्म डिस्क बायलैमिनर, वो क्या दिख रहा है, अब ब्लॉटेड दिखेगा, क्योंकि बीच में एक स्पेस डेवलप कर गया। अब क्या होगा इसके बाद? अच्छा, जो ये सारे आपके सेल्स हैं ऊपर एपिब्लास्ट या नीचे जो हाइपोब्लास्ट सेल है वो एक दूसरे से बाइंड है, तो कोई ना कोई प्रोटीन तो होगा जो इनको बाइंड करके रख रहा है। तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ई कैड्रिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ई कैड्रिन। ई कैड्रिन की वजह से क्या है, जो जितने भी हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के सेल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है बाय द एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट सेल क्या करता है, इट विल रिलीज अ फैक्टर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, ये डाउन रेगुलेट करता है ई कैड्रिन को। क्या करता है? इट विल डाउन रेगुलेट। अब ई कैड्रिन को डाउन रेगुलेट क्या करेगा, तो क्या होगा, ये जो सेल्स हैं इनके बीच में स्पेसेस डेवलप कर जाएंगे। क्या करेंगे, जो बाइंड है, ई कैड्रिन का काम क्या है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रख रहा है। जब इन और इनको डाउन रेगुलेट कौन कर रहा है? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, FGF8। ये इसको डाउन रेगुलेट करेगा, तो जो दो सेल्स के बीच में बाइंडिंग है वो लूज होगा। ठीक है, और क्या होता है, जो एपिब्लास्ट है वो क्या करता है, कीमो एट्रैक्टेंट को रिलीज करता है, और ये कीमो एट्रैक्टेंट जो हाइपोब्लास्ट के जैसे ही एपिब्लास्ट के जैसे ही नए सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। तीन चीज बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट एक दूसरे से चिपके हुए थे, क्या किया एपिब्लास्ट ने, सबसे पहले हैलुरोनिक एसिड को सिक्रीट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से अब आपका जो जर्म डिस्क है वो ब्लॉटेड अपीयरेंस हो गया, दोनों के बीच में स्पेस हो गया। अब स्पेस है तो कोई सेल आएगा, इसीलिए स्पेस बना है। तो वो सेल और जो सेल बनाने के लिए क्या होगा, पहले सेल को सेपरेट होना होगा। तो जो ई कैड्रिन है इनको बांध के रखा है, उसको डाउन रेगुलेट करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 आता है काम में। उसने क्या किया, अपना रेगुलेशन स्टार्ट किया, तो ई कैड्रिन कम हो गया, तो दोनों के बीच में जो बाइंडिंग थी वो कम हो गई, और क्या हुआ, अब कीमो एट्रैक्टेंट रिलीज होना शुरू हुए, जिन्होंने नए और नए एपिब्लास्ट सेल्स बनाना शुरू किए। ठीक है, और ये सेल्स सारे जो बनने शुरू हुए वो सेंटर, जो एपिब्लास्ट का यहाँ जो प्रिमिटिव चीक कैसे बना है, इन्हीं से बना है। यही सेल जब वहां पे सेंटर में एक्युमुलेट हुए तो इन्होंने क्या बनाया, प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक आपके दिमाग में आया होगा ना कि कहां से आ गया, कुछ तो हुआ होगा कि जो ये एक लाइन ऑफ सेल्स डेवलप की, तो ये इस मैकेनिज्म से जो ये सेल रेगुलेट कर रहा है ना कीमो अट्रैक्टिंग, वही वहां पे सरफेस पे एलिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। समझ में आ गया सबको, यही सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाएगा, और उसका जो
हेड पोर्शन होगा वो राउंडेड होगा, उसी को हम प्रिमिटिव नोड कहेंगे, और उसके सेंटर में एक डिप्रेशन होगा जिसको ब्लास्टोपोर या प्रिमिटिव नोड या हैंसन नोड कहेंगे। समझ में आ गया? अब क्या होगा कि ये बना तो दिया सेल, अब वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा सेल्स आ गए हैं, तो अब ये सेल क्या होगा, नीचे जाना शुरू करेंगे। जो खाली स्पेस था ना बीच में, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से स्पेस आ गया था, तो सारे के सारे प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल, प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेंटर पे एक ग्रुप डेवलप कर जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ग्रुप। और इस ग्रुप के थ्रू सेल्स नीचे जाना शुरू करेंगे, पहले इस गैप में आकर के सेल को फिल कर देंगे। ठीक है, पहले जो ये बीच का यहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा जिसको प्रिमिटिव क्या करेंगे, प्रिमिटिव ग्रुप बनेंगे, क्योंकि ऐसे डिप्रेशन हो जाएगा, जो पूरा प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसके बीच में डिप्रेशन होगा, और इस डिप्रेशन के थ्रू सेल्स नीचे पास करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो उसको बोलेगा कि अब नीचे जाओ तुम, और वो नीचे जाकर के यहाँ पे बीच वाले लेयर में जमा होना शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये ऊपर से कौन से सेल आए हैं, एपिब्लास्ट सेल है, तो यहाँ पे क्या होता है, इपिथीलियल से मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल में। मेसेनकाइमल सेल्स कौन से सेल होते हैं, जिनकी कोई भी शेप प्रॉपर शेप नहीं होती है। आपने इपिथीलियल सेल्स पढ़ा कि ऊपर वाले सेल जो इपिब्लास्ट है उनकी शेप क्या है, क्यूबॉइडल है, और सॉरी कॉलमनर है, और जो नीचे का हाइपोसेल है उनकी क्या शेप है, क्यूबॉइडल है। बट जब ये नीचे आएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बनाएंगे, मेसेनकाइमल सेल बनाएंगे, और मेसेनकाइमल सेल का कोई शेप नहीं होता है, इररेगुलर शेप के होते हैं। तो जब पहले ही नीचे आएंगे तो ये फ्लास्क शेप के होंगे, या बास्केट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लास्क की शेप के होंगे, बाद में ये इररेगुलर शेप हो जाएंगे, तो ये बीच में इररेगुलर शेप हो जाएंगे। अब क्या होगा कि ये फिर क्या करेगा, जो नीचे के हाइपोब्लास्ट सेल है उनको ऑर्डर करेगा कि तुम यहां से हटो, है ना, हमें आना है, तो ये क्या करेगा, साइड से हाइपोब्लास्ट सेल को रिमूव करना शुरू करेगा और खुद आकर के यहाँ बैठ जाएगा। अगेन क्या होगा, जो अब ये मेसेनकाइमल सेल थे वो अगेन ट्रांसफॉर्म होकर के एपिब्लास्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेसेनकाइम टू एपिब्लास्ट, सॉरी एपिथीलियल सेल, और ये फिर अपना शेप ले लेंगे, जो कि शेप क्या था, क्या था, क्यूबॉइडल सेल का, है ना। तो पहला जो पहले लेयर से नीचे आया वो क्या हुआ, एपिथीलियल से मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उनका एक स्पेसिफिक शेप था वो चेंज होकर के इररेगुलर शेप हो गया। अब इनको फिर नीचे वाले लेयर में आना है, हाइपोब्लास्ट के सेल को रिप्लेस करना है, तो ये सारे के सारे हाइपोब्लास्ट के सेल को रिप्लेस कर देंगे, तो पहले तो ये आके इररेगुलर शेप होंगे, बट यहाँ पे फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेसेनकाइमल टू एपिथीलियल, तो ये डिस्प्लेस होंगे और ये फिर क्या बनाएंगे, अपना पर्टिकुलर शेप ले लेंगे, बट वो अब क्या है, वो हाइपोब्लास्ट नहीं है, वो कहाँ से आए, एपिब्लास्ट से आएंगे। तो जस्ट क्या होगा, तीन लेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये वाले सेल यहाँ आकर के होने लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे जो नीचे आ गए, जो एंडोडर्म को हटा, हाइपोब्लास्ट को हटा करके सेल आए उसको हम डेफिनेटिव एंडोडर्म कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बीच में सेल रह जाएंगे, रिमेनिंग सेल, उसको हम बोलेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो ऊपर वाले सेल हैं उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेटिव एक्टोडर्म। समझ में आ गया कैसे तीन लेयर बनी, तो ये तीनों की तीनों लेयर, हाइपोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है, तीनों की तीनों लेयर एपिब्लास्ट से बनी है। ऑल दीज थ्री लेयर्स आर फ्रॉम द एपिब्लास्ट, और एपिब्लास्ट कैसे रेगुलेट हुआ और कैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाया वो आपको पहले मैंने बता दिया। ठीक है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव एक्टोडर्म, डेफिनेटिव एंडोडर्म, और बीच वाले को इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन, जहां पे दो लेयर जो था वो अब कन्वर्ट होकर के तीन लेयर बना, और दिस गैस्ट्रुलेशन आपको शॉर्ट नोट में भी आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सारे ऑर्गेन एंड टिश्यू दीज आर ऑल फ्रॉम दीज थ्री लेयर। समझ में आ गया? तो वो सारी चीजें आपको याद रखना है कि पहले दोनों के बीच में स्पेस बनाना है। ठीक है, कौन सी से, हाइलुरोनिक एसिड से, जो कि हाइग्रोस्कोपिक है, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको ई कैड्रिन का डाउन रेगुलेशन होगा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर काम में आएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, इनके बीच की बाउंडिंग को कम कर देंगे, फिर कीमो अट्रैक्टन रिलीज होंगे, वो नंबर ऑफ एपिब्लास्ट को डेवलप करना शुरू करेंगे, तो वही जब डेवलप करेंगे तो एक स्ट्रीक बनाएंगे जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। प्रिमिटिव स्ट्रीक में एक डाउन ग्रूव बनेगा जिसकी वजह से सेल डिस्प्लेस होकर नीचे आएंगे। तो पहले एपिथीलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन, देन अगेन फ्रॉम मेसेनकाइमल टू एपिथीलियल ट्रांसफॉर्मेशन, सारे हाइपोब्लास्ट को सेल को रिप्लेस करके यहाँ पे जो सेल बनेगा उसको क्या बोलोगे, डेफिनेटिव एंडोडर्म। फिर बीच का इंट्रो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में सेल फिल होंगे, और जो रिमेनिंग सेल एपिब्लास्ट के बच जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेफिनेटिव एक्टोडर्म। ठीक है, तो तीन चीज बन गई, डेफिनेटिव एंडोडर्म,
इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और ऊपर वाले को डेफिनेटिव एक्टोडर्म। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में एट द एंड ऑफ थर्ड वीक जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो रिग्रेस होकर के खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? रिग्रेस होकर के कंप्लीटली 26 डे ऑफ डेवलपमेंट के टाइम में प्रिमिटिव स्ट्रीक डिसअपीयर हो जाता है। क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक आया ही इसलिए था, उसका काम क्या था? दो लेयर जो जर्म लेयर थी उसको कन्वर्ट करके तीन लेयर में। तो आफ्टर थर्ड वीक कंप्लीशन और पूरा कंप्लीट रिग्रेस जो होता है वो 26 डे पे कटता है, ठीक है। अगर इफ इट विल परसिस्ट तो इट विल लीड टू एन एनोमली नोन एज सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा। क्या कहते हैं इसको? आप इस इमेज में देखो, इट विल लीड टू अ टेराटोमा विच डेवलप एट द कोक्सीजल रीजन, ठीक है ना। ये बैक दिख रहा है आपको, ये इसका एनस वाला रीजन है, कोक्सीजल रीजन पे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो कि बहुत रेयर है, 1 in 20,000 to 1 in 70,000 के रेशियो में एक बच्चे को होता है। तो अगर ये प्रिमिटिव स्ट्रीक रिग्रेस नहीं करता है थर्ड वीक में या 26 डे पे और परसिस्ट कर जाता है तो इट विल लीड टू अ टेराटोमा नोन एज सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा। अच्छा, क्योंकि ये टेराटोमा ट्यूमर के लिए होता है बट दिस इज अ बेनाइन ट्यूमर, इसको हम सर्जिकल रिमूव कर करके हटा सकते हैं, ठीक है। इस टेराटोमा में ना, क्योंकि आपको ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही आपके सारे जर्म लेयर बन रहे हैं, तो बॉडी के जितने पार्ट है, बोन है, हेयर है, मसल है, सबके सब किस चीज से बनेंगे? इसी से बनेंगे। तो इसीलिए इस टेराटोमा में सब कुछ ही रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको इसके अंदर बोन मिल सकता है, टिश्यू, आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल सकती है, हेयर मिल सकता है, नेल्स मिल सकता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट वहां से हुआ, तो इसके रेमिनेंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और इसका ऑपरेशन क्या करते हैं? इसका सर्जिकल रिमूव करके ठीक करते हैं। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट अप्लाइड नोन एज सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा। तो जब ग्रेस्टुलेशन आए, जब प्रोसेस लिखे, तो एनाटॉमी में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो डायग्राम एज वेल एज एक अप्लाइड लिखना जरूरी होता है। तो यू कैन ऐड कि इफ द प्रिमिटिव स्टिक डजंट डिसअपीयर ड्यूरिंग द एंड ऑफ थर्ड वीक इट लीड टू सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा इन द कोक्सीजल रीजन, ठीक है। अच्छा, अब सब जगह मैंने क्या बताया कि दो लेयर की जगह तीन लेयर आ गया है, डेफिनेटिव एक्टोडर्म, डेफिनेटिव एंडोडर्म और इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। देर आर टू साइट, वन एट द क्रेनियल एंड एंड वन एट द कॉर्टल एंड। जहां पे तीन लेयर नहीं होती है, सिर्फ दो ही लेयर होती है, समझ में आ रहा है? जहां पे इन बिटवीन इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म नहीं जाता है, ठीक है। दीज टू लेयर इज नोन एज बक्को फेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड जो लोअर एंड पे होता है, क्रेनियल एंड पे, कॉर्टल एंड पे होता है, उसको हम क्लोइकल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोइकल मेम्ब्रेन। अच्छा, बक्को फेरेंजियल मेम्ब्रेन इस डायग्राम में देखो आप, इसको बक्को देखो, ये एवरी प्लेस इट हैज थ्री लेयर, दिस इज डेफिनेटिव एक्टोडर्म, डेफिनेटिव एंडोडर्म एंड इन बिटवीन इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एक्सेप्ट एट दीज टू साइड एट द क्रेनियल एंड। अच्छा, क्रेनियल एंड ये वही एरिया कंसाइड करेगा जहां पे मैंने आपको प्री कॉर्डल प्लेट बताया था मैंने एक जगह ना, दैट इज कॉल्ड द प्री कॉर्डल प्लेट, जहां पे क्या हुआ था, हाइपोब्लास्ट के सेल जो क्यूबॉइडल थे वो अब कन्वर्ट होकर के कॉलमनर हो गए। वहीं पे आप ऊपर देखो, वो दैट इज द साइट जहां पे आपका बीच में इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म नहीं आएगा, देयर इज ओनली क्या होगा, दो लेयर होगा, दैट इज डेफिनेटिव एक्टोडर्म एंड डेफिनेटिव एंडोडर्म। एंड जहां पे प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड करेगा उसके एंड पे भी एक ऐसा जगह होगा जहां पे सिर्फ दो लेयर होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वहां पे बीच में मीजोडर्म नहीं आएगा, दैट लेयर इज नोन एज क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो दीज आर द टू साइड, दिस इज नोन एज ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, और दिस इज नोन एज, ये वाला जो दिख रहा है साइड, दिस इज नोन एज क्लोइकल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बाद में ये मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है, हट जाता है, और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन हटेगा तो ये क्या बनाएगा, माउंट बनाएगा। बाद में आगे जब के आप डेवलपमेंट में पढ़ोगे तो दिस ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रिप्लेस हो जाएगा और एक ओपनिंग बना देगा, तो ये क्या बनाएगा, डेफिनेटिव माउंट बनाएगा। और जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है वो वहां से हटेगा तो वो क्या बनाएगा आपका, एनस और जेनाइटल ओपनिंग बनाएगी, ठीक है। वो आपको डिटेल में तब पढ़ाया जाएगा। आई होप कि सबको गैस्ट्रुलेशन समझ में आ गया होगा और प्रिमिटिव स्टीक, ठीक है, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्टीक क्या है, एक सेकेंड लीनियर बैंड है एपिब्लास्ट का, डॉर्सल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जो कि 15 डे पे अपेयर करता है और गैस्ट्रुलेशन को इंड्यूस करता है। फिर क्या हुआ, इसके क्रेनियल एंड पे एक एलिवेशन होता है जिसको हम प्रिमिटिव नॉट, हैंसन नॉट
कहते हैं, और इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको प्रिमिटिव पिट या ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव स्टेज से ही आपको बॉडी, और अच्छा ये प्रिमिटिव स्टेज जब डेवलप करता है तो ये आपके बॉडी का एक्सिस बनाता है, मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ योर, सेंटर ऑफ द इम्ब्रियो बॉडी। ठीक है, और यही बताएगा कि दिस इज द क्रेनियल एंड एंड दिस इज द कॉडल एंड। हाँ यू डियर सांडो, नहीं नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हें बोल रही हूँ। पता नहीं कहाँ, मतलब यू आर देयर इन द क्लास। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो प्रीमिटिव स्टीक है जब सेल के बीच में स्पेस ज्यादा आ जाता है, यहाँ पे एक ग्रुप डेवलप हो जाता है, तो दैट इज नोन एज प्रीमिटिव ग्रुप। ठीक है, अब इसी ब्लास्ट माइग्रेट होने लगते हैं। ठीक है, माइग्रेट सेल इन दोनों के स्पेस में बीच में आएगा, फिर ये क्या करेगा, हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या क्या बना दिया, सबसे डेफिनेटिव एंडोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एंड डेफिनेटिव एक्टोडर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, दो प्लेस पे मैंने बताया कि आपको सिर्फ क्या होगा, सिर्फ दो ही लेयर होगा, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पे और क्लॉइकल मेम्ब्रेन पे। ओरोफेरेंजियल प्री कॉडल जहां प्लेट था वहां पे डेवलप करता है। ठीक है, और प्रिमिटिव स्टीक के कॉडल ही आपका क्लॉइकल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देर इज अ लेयर ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इन बिटवीन इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म नहीं होता है, ये सारा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्रेनियल एंड पे इट विल लीड टू द, बाद में ये रप्चर हो जाएगा, कब रप्चर होता है, फोर्थ वीक पे माउथ बनाता है, और कॉडल एंड पे भी ये रप्चर हो जाता है, कब रप्चर होता है, सेवेंथ वीक पे, तो ये एनस और जो जेनाइटल ओपनिंग है वो उसको बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज द, ठीक है, और अगर परसिस्ट कर जाएगा तो सैक्रोकॉक्सिकल टेरेटोमी बनाएगा। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैंने तीन लेयर बताया वो तीन लेयर किसको क्या बनाता है। ठीक है, एंडोडर्म क्या बनाएगा, तो ये आप देख लेना और याद कर लेना, आपको पता होना चाहिए जनरल, अगर ये याद रहे ना तो एक थोड़ा ओवरव्यू रहता है कि ये स्ट्रक्चर किस चीज से बना है। ठीक है, तो एक्टोडर्म आपका, अभी एक्टोडर्म के बारे में तो मैं और बताऊंगी आपको, स्किन एपिडर्मिस, पूरा नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है ना, मीजोडर्म मसल बोन कार्टिलेज ये सारे बनाएंगे, और एंडोडर्म आपका बेसिकली जो जीआईटी है और जो लाइनिंग एपिथीलियम होगी सारे ऑर्गन सिस्टम की, वो आपका एंडोडर्म से बनेगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड टॉपिक विच इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है कि, अच्छा ये वाला तो आपको इतना चीज समझ में आ रहा है, ये वाला व्यू में ये क्या है, ये क्लॉइकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रो कॉडल प्लेट है, यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन है, बक्कोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ना, मतलब यहाँ पे डेफिनेटिव माउथ बनाएगा और यहाँ क्या बनेगा, एनस बनेगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या डेवलप किया था, प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप किया था, और इसके जो एलिवेशन है इसको प्रिमिटिव नॉट कहेंगे, और यहाँ पे ब्लास्टोस्पोर, और इसके बीच में जो डिप्रेशन है इसको क्या आप कहोगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। अब इस प्रिमिटिव नॉट से लेकर प्रोकॉर्डल प्लेट तक एक एलिवेशन डेवलप करता है, इसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। ठीक है ना, तो अ मिड लाइक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट, और ये जो नोटोकॉर्ड है ना, ये भी कहां से, इसमें भी सेल्स कहां से माइग्रेट होंगे, एपिब्लास्ट से। ठीक है ना, जो एपिब्लास्ट के सेल्स थे, अच्छा जो ये प्रिमिटिव स्टीक बताया था, इसमें जो डिप्रेशन हुआ उसको क्या बोला था, प्रिमिटिव ग्रुप। इस प्रिमिटिव ग्रुप से जो सेल नीचे डिप्लेस हो रहे थे वो आपको गैस्ट्रुलेशन करा रहे थे, बट जो एंड पे प्रिमिटिव नोड था उसमें जो डिप्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव पिट और द ब्लास्टोपोर। इससे जो सेल डिप्लेस करके जाएंगे ना, वो आगे माइग्रेट करेंगे, कहां माइग्रेट करेंगे, क्रेनियली, फ्रॉम द प्रिमिटिव नॉट टिल द प्री कॉडल प्लेट। तो इन दोनों के बीच में जो एलिवेशन होगा ना, उसको क्या बोलोगे, नोटोकॉर्ड। समझ में आया मेरी बात, ये आपका प्रिमिटिव स्टीक था, इसका क्रेनियल एंड पे एक एलिवेशन था जिसको प्रिमिटिव नॉट कहे, इस प्रिमिटिव स्टीक में मैंने क्या बोला है, एक डिप्रेशन हुआ जिसको प्रिमिटिव ग्रुप, और इस प्रिमिटिव ग्रुप से सेल नीचे डिप्लेस हो रहे थे, जो कि बाद में आपको तीनों लेयर बनाए। अब ये जो प्रिमिटिव नॉट में भी मैंने बताया था ना कि एक पिट है जिसको प्रिमिटिव पिट या ब्लास्टोपोर कहेंगे, कुछ सेल जो जब यहाँ पे सेल्स बन रहे थे एपिब्लास्ट के, तो कुछ सेल यहाँ से इस पिट से डिस्प्लेस होने लगे, और वो आगे कहाँ मूव किए, क्रेनियली मूव किए, कहाँ तक, प्रिमिटिव नोड से लेकर के प्री कॉडल प्लेट तक। तो एक मिड लाइन में स्ट्रक्चर डेवलप किया इसी एपिब्लास्ट सेल से, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, नोटोकॉर्ड। समझ में आ गया, नोटोकॉर्ड कहाँ से आया, तो वही सेल डिस्प्लेस कर रहे हैं बट थ्रू द प्रिमिटिव पिट और द ब्लास्टोपोर। तो इट इज अ मिड लाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम एपिब्लास्ट इन द रीजन ऑफ
प्रिमिटिव नॉट से आगे, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, प्रिमिटिव स्टिक से लेकर के प्री कॉडल प्लेट तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहले क्या होता है कि जो देखो ये सरफेस पे दिखा रहा है, दिस इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक, दिस इज द प्रिमिटिव नोड, और प्रिमिटिव नोड में जो डिप्रेशन है इसको ब्लास्टोपोर या प्रिमिटिव पिट कहते हैं। यहाँ से सेल इपिब्लास्ट सेल माइग्रेट होंगे और जो ये एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच में मूव करेंगे क्रेनियली, टिल कहां तक, प्रोकॉडल प्लेट तक। समझ में आया मेरी बात? ये सरफेस पे था एंडोडर्म एक्टोडर्म पे, यहाँ पे पिट था, इस पिट से कुछ सेल इन दोनों लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब मान लो कि ये इपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो स्पेस बना था वो वहां माइग्रेट करने लगेंगे, और कहां तक माइग्रेट करेंगे, टिल द प्रोकॉडल प्लेट और द बक्को-फेरिंजियल मेम्ब्रेन। तो इस जो ये सेल माइग्रेट करके जाएंगे इस, तो एक प्रोसेस बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉडल प्रोसेस। अब क्या होगा, ये ऐसे प्रोसेस गया, ये नोटोकॉडल प्रोसेस के जो बीच के सेल होंगे ना, ये बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, सबको पता है अपोप्टोसिस क्या होता है, उसमें सेल का डेथ होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे नोटोकॉडल प्रोसेस इन बिटवीन द इपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट अंदर की तरफ गया फ्रॉम द प्रिमिटिव पिट, इसके जो बीच के सेल हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस वो खत्म हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो कैसे बचेगा, मार्जिन पे जो सेल है वही बचेंगे। पहले ना, पहले जब एंटर किए थे तो ये सॉलिड की तरह है, तो इसको क्या बोला हमने, नोटोकॉडल प्रोसेस, बाद में बीच के सेल खत्म हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलोगे, एक आपका प्रोसेस बन जाएगा, एक कनाल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कनाल। समझ में आया मेरी बात? पहले जब सेल गए तो ये पूरा सॉलिड रॉड की तरह था टिल द प्रोकॉडल प्लेट, ठीक है ना, तो ये पूरा सॉलिड रॉड था। अब बीच वाले जो सेल होंगे ये क्या होंगे, ये डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे, अपोप्टोसिस होना लगेगा, सेल का डेथ हो जाएगा। तो अब क्या बनाएगा, एक कनाल बनाएगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, बीच में एक पैसेज क्रिएट हो गया, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा, नोटोकॉडल प्रोसेस तो बना ना पहले, सेल ऑफ प्रिमिटिव नोड जो थे पॉलीफ्रेट करेंगे और इन दोनों लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म या इपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के बीच में डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसी जो सेल डिस्प्लेस कर रहे हैं जो कि 17 और 18 डे पे होगा, ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉडल प्रोसेस बोल रहे हैं। अब नोटोकॉडल प्रोसेस जब डेवलप कर गया तो बीच के सेल का अपोप्टोसिस हो गया। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है ना ये व्हाइट कलर का, यहाँ के सेल अपोप्टोसिस से खत्म हो गए, तो क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, एक कनाल बन गया, क्या बन गया, कनाल बन गया, तो दिस इज नोन एज नोटोकॉडल केनाल। अब जो नोटोकॉडल केनाल है वो नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है, एंडोडर्म से आकर के फ्यूज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल फ्यूज विद द लोअर वाली जो सेल की लेयर है एंडोडर्म, उसके साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा कि जो ये फ्यूजन हुआ है यहाँ पे भी अपोप्टोसिस होने लगेंगे और ये जो फ्यूजन है वो खत्म होने लगेगा। तो अब क्या होगा, अच्छा इसके ऊपर जो कैविटी थी उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर का एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के ऊपर या इपिब्लास्ट के ऊपर की कैविटी को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, है ना, ये दो बायलेमिनार था तो ऊपर एक कैविटी थी, एक नीचे कैविटी थी, ऊपर वाली कैविटी क्या थी, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी क्या थी, सेकेंडरी ऑफ, ठीक है ना, फाइनली तो प्राइमरी किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी ऑफ। तो ये दो कैविटी था, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रिमिटिव स्टेज से सेल अंदर चले गए टिल द प्रीकॉडल प्लेट तक, तो ये सॉलिड था तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉडल प्रोसेस कह रहे हैं। बाद में बीच के सेल का अपोप्टोसिस हो गया तो इसको हम क्या बोला, नोटोकॉडल केनाल बोल रहे हैं। अब जो नोटोकॉडल केनाल का जो लोअर सरफेस होगा वो नीचे वाली जो लेयर है उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा, है ना, और फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, जब फ्यूजन के बाद बीच में अपोप्टोसिस की वजह से जो ये दोनों का फ्यूजन था वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो ऊपर की कैविटी थी और जो नीचे की कैविटी थी दोनों के बीच में एक पैसेज बन जाएगा। तो ऊपर क्या कैविटी थी, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे कौन सी कैविटी है, सेकेंडरी योक सैक, दोनों के बीच में एक पैसेज डेवलप हो जाएगा। इस पैसेज को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोएंट्रिक कैनाल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरोएंट्रिक कैनाल। अच्छा न्यूरोएंट्रिक कैनाल आपको थोड़ा इजी समझने में, ऊपर वाली लेयर क्या है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या बना रही है, ब्रेन बना रही है ना मेनली, नीचे क्या है, एंडोडर्म है, मेनली जीआईटी के
सारे गट्स के ट्यूब बना रही है, तो ऊपर नर्वस नीचे जीआईटी, तो इसीलिए एंट्रिक वर्ड जीआईटी के लिए आता है। इसीलिए इस कैनाल को तो, क्योंकि दोनों को कम्युनिकेट कर रही है, और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा जर्म लेयर के बाद जो ऑर्गन टिश्यू बनेगा, ऊपर नर्वस सिस्टम और नीचे जीआईटी, तो इसीलिए इस कैनाल को नाम क्या दे दिया गया है, न्यूरोएंट्रिक कैनाल। ठीक है ना, याद रखने के लिए कि क्यों न्यूरोएंट्रिक कैनाल दिया है ना, तो ऊपर क्योंकि नर्वस और नीचे अगर जीआईटी बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो पैसेज बन गया। अच्छा, ये पैसेज बनने की जरूरत क्या थी, तो अलग अलग कोई ऐसे डेफिनेटिव ये नहीं है, बट अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ राइटर्स कहते हैं कि दोनों के दोनों जो कैविटी थी उसमें प्रेशर को इक्वलाइज करना था, जिसकी वजह से ये पैसेज बना। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हमें न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करना था इसलिए बना, और कुछ कहते हैं कि कुछ भी नहीं बना था, बस ये पहले प्रिमिटिवली था, हमारे में बस वो ऑब्लिट्रेट कर गया और कुछ उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो देयर वाज डिफरेंट हाइपोथेसिस, अलग अलग है। ठीक है, बट जो भी रीजन हो, बट देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द एमनियोटिक कैविटी एंड द यॉर्क सैक। इट मे बी कि बैलेंस करना था प्रेशर को, इट मे बी कि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करना था, या इट मे बी कि कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो दीज आर द थ्री हाइपोथेसिस जिसको हम मानते हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि ये जब यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे भी अपोप्टोसिस होने लगे, और यहाँ पे ब्रेकेज हो गया, जिसकी वजह से ऊपर की एमनियोटिक कैविटी नीचे की सेकेंडरी यॉर्क सैक के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, एंड दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज न्यूरोएंट्रिक कैनाल। तो आपको ऐसे ऐसा दिखने लगा ये नीचे से। अब क्या होगा, जो ये कैनाल ऐसे बना है, तो इसका जो दो मार्जिन है वो एक दूसरे के पास आने लगेगा, और ये पूरा एक राउंड सा सर्कल बना देगा जिसमें एक बीच में गैप होगा। ठीक है, दोनों जिसकी मार्जिन है ना, यहाँ पे ये जो दो मार्जिन दो एंड है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगेगा, और अगेन जो ये ओपन हुआ था इसको फिर से बंद कर देगा, है ना, इसको फिर से क्लोज करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डल प्लेट, है ना। ये कनाल इसको दोनों एंड से फ्यूज करके दोनों को फ्लैटन कर देगा, और तो इसको बना देगा नोटोकॉर्डल प्लेट। ठीक है, अब नोटोकॉर्डल, पहले ये कैनाल था, फिर ये फ्लैटन होकर नोटोकॉर्डल प्लेट बना देगा, अगेन फिर से ये कर्व होगा, एक ग्रूव बनाएगा, और ग्रूव के दोनों एंड फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, बट येट ये क्या होगा, जो नीचे का एंडोडर्म है उससे साथ लगा हुआ है, धीरे धीरे क्या होगा, इट विल लीव फ्रॉम हियर और सेंटर में आ जाएगा, एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, और अब ये पहले तो ये सरफेस पे इसके साथ अटैच होगा, देन ये डिस्प्लेस होकर के ऊपर चला जाएगा और ये सेंटर में डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। तो दीज आर ऑल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहले प्रिमिटिव पिट से सेल अंदर जाएंगे टिल द, कहां तक जाएंगे, नोटोकॉर्डल प्लेट तक, फिर बीच में अपोप्टोसिस होगा तो एक कैनाल डेवलप होगा, कैनाल विल फ्यूज टू द लोअर लेयर ऑफ सेल, दैट इज एंडोडर्म से फ्यूज होंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, इनका ब्रेकेज होगा, तो इट विल लीड टू अ कैनाल, न्यूरोएंट्रिक कैनाल, जो कि एमनियोटिक कैविटी को योक सैक के साथ कम्युनिकेट करेंगे, देन क्या होगा, प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये अगेन क्या होगा, दोनों इसकी जो मार्जिन है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होगी, और ये नीचे के एंडोडर्म के साथ ही फ्यूज रहेगी, देन ये पूरा फ्यूजन हो जाएगा, और इट विल डिस्प्लेस अपवर्ड। तो अब ये कहाँ आ गया, बीच का जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उस लेयर में आपका नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, नोटोकॉर्ड एडल्ट में पूरा रिग्रेस हो जाता है, जो पार्ट रह जाता है वो क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम तो डेवलप हो जाएगा उससे, ये क्या बनाता है, जो आपके दो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, उसका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो, दैट इज वो जो बच जाएगा वो, दैट इज अ रिमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, और दूसरा जब आप वर्टिब्री पढ़ोगे तो जो सेकेंड वर्टिब्री है दैट इज एक्सिस, उसका जो एपिकल लिगामेंट है, तो दीज आर द टू रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड क्या होगा, बाद में डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, जो बच जाएगा इसका दो रेमिनेंट, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्या है वो दो रेमिनेंट, एक तो न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, सॉरी, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डल प्लेट, और बाद में यही डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये फाइलम कॉर्डाटा, जो कि ह्यूमन बीइंग भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है, दूसरा ये भी आपके एक्सिस को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, तीसरा ये प्राइमरी इंड्यूसर्स है जो कि हेल्प करता है और आगे फर्दर डेवलपमेंट में, और जो इसके रेमिनेंट बच जाते हैं वो क्या बनाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसिस,
और जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है जिसको हम डेंस कहते हैं, उसका एक लिगामेंट होता है एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड में आपको ये याद रखना है कि बाद में नोटोकॉर्ड हट जाएगा, जो चीज रह जाएगी वो ये दो चीजें, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। अब नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइस। ठीक है, अब मैं आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डेवलप किया था तो क्या हुआ था कि पूरे का पूरा जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, बाहर के ट्रोफोब्लास्ट था, उन दोनों के बीच में डेवलप किया था, एक्सेप्ट एक जगह रह गया था जो तो क्या था, कनेक्टिंग स्टॉक था। कनेक्टिंग स्टॉक इज द ओनली प्लेस जहां पे उन दोनों का फ्यूजन था। इस कनेक्टिंग स्टॉक में एक जो आपका सेकेंडरी यॉर्क सैक है उससे एक डायवर्टिकुला एक्सटेंड करता है इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक एंड दिस डायवर्टिकुला इज नोन एज एलेंटोइड। क्या कहते हैं इसको? बातें मत करो। सारे के सारे ऑब्लिट्रेट हो गया था, बस ये वाला पोर्शन रह गया था, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज कनेक्टिंग स्टॉक। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन रह गया था। अब इस कनेक्टिंग स्टॉक में आई सेड डोंट टॉक, तो आपको ये दिख रहा है एम्ब्रियो है यहां पे, दिस कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी यॉर्क सैक, और ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज कनेक्टिंग स्टॉक। तो अब इस कनेक्टिंग स्टॉक में एक फिंगर लाइक आउटवॉचिंग होता है किसका, सेकेंडरी यॉर्क सैक का विद इन द कनेक्टिंग स्टॉक, एंड दिस आउटवॉचिंग इज नोन एज एलेंटोइड। ठीक है, इसी आउटवॉचिंग को क्या कहते हैं, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कनेक्टिंग स्टॉक में यॉर्क सैक का चला जाता है, दैट इज नोन एज एलेंटोइड। ठीक है, एलेंटोइड कब डेवलप करता है, इट विल डेवलप ऑन 16 डे। ठीक है, अब क्या होगा कि आप जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो अब तो तीन जर्म लेयर बन गया। अब क्या होगा मैम, आपको मैं एक्टोडर्म के बारे में बता दूंगी, मैम विल डील अबाउट द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और साथ में मैम बताएंगी कि कैसे एम्ब्रियो फोल्ड हो रहा है, दैट इज फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। तो जब ये आगे की बात है, जब एम्ब्रियो फोल्ड करेगा, इस इमेज में देखो, ये आपका एमनियोटिक कैविटी है, दिस इज द यॉर्क सैक, दिस इज द कनेक्टिंग स्टॉक, और कनेक्टिंग स्टॉक में ये एक प्रोजेक्शन जा रहा है, दिस इज नोन एज सिंगल लाइक प्रोजेक्शन, इसको एलेंटोइड कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, फोर्थ वीक में एम्ब्रियो फोल्ड हो रहा है क्रेनियल और कॉडल एंड से, और साथ साथ साइड टू साइड भी फोल्ड कर रहा है, पूरा एम्ब्रियो का फोल्डिंग होता है। तो ये इस इमेज में आपको लास्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ देखो, दिस ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, ये जो एलेंटोइड था जो कि क्लोइकल मेम्ब्रेन के पीछे था, अब वो क्या हो गया, वो क्लोइकल मेम्ब्रेन के आगे आ गया, ये दिस इज द एलेंटोइड। दिख रहा है सबको, क्योंकि जो ये एम्ब्रियो ऐसा था, अब ये यहां से भी फोल्ड करेगा और ये यहां से भी फोल्ड करेगा, तो कनेक्टिंग स्टॉक की जगह में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था वो क्लोइकल मेम्ब्रेन के पीछे था। अब क्योंकि एम्ब्रियो फोल्ड करके ऐसे हो रहा है, तो जो ये एलेंटोइड है वो क्लोइकल मेम्ब्रेन के कहां आ गया, एंटीरियरली आ गया। ठीक है, इट विल कम एंटीरियर टू द क्लोइकल मेम्ब्रेन। अब इतना डिटेल में तो जब आप जब वो पढ़ोगे जीआईटी उस टाइम पढ़ोगे, बट ये समझ लो कि ये जो एलेंटोइस है ये यहाँ पे जाकर के, अच्छा यही आपका आगे जाकर के गट ट्यूब बनाता है, तो दिस इज द फोर गट, दिस इज द मिड गट एंड दिस इज द हाइंड गट, दिस एलेंटोइस अटैच टू द कॉडल एंड ऑफ हाइंड गट। कहाँ अटैच है, कॉडल एंड ऑफ हाइंड गट पे अटैच है, जो कि यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, आपका जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप करेगा और यूरिनरी ब्लैडर भी डेवलप करेगा। तो दिस विल, ये जो एलेंटोइस है, ये एलेंटोइस का जो पीछे का पार्ट है, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और जो इसका आगे का पार्ट है ये ऑब्लिट्रेट हो जाता है, इसको हम यूरेकस कहते हैं, और जो कि अडल्ट में क्या बनाता है, एक लिगामेंट बनाता है, जो कि क्योंकि ये क्या बनाया था, ब्लैडर बनाया है, तो इस एपेक्स ऑफ ब्लैडर से लेकर के अम्बिलिकस तक एक लिगामेंट बनाता है जिसको कहते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो दिस इज द फेट ऑफ एलेंटोइस। एलेंटोइस का जो प्रॉक्सिमल एंड है उसको हमने क्या बोला, यूरेकस, और ये यूरेकस ऑब्लिट्रेट करके क्या बनाएगा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट विच इज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टिल द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो ये इसका बाद वाला पीछे वाला पार्ट है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, प्लीज डोंट टॉक।
एंड नाउ अभी मैंने आपको और क्या बताया कि प्राइमरी विलाई बना था, फिर क्या बनेगा उसके बाद, इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू टर्शियरी विलाई. तो प्राइमरी विलाई में क्या हुआ था, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था वो कॉलम शेप कहाँ एंटर कर गया, सिस्टोट्रोफोब्लास्ट में. तो व्हाट इज प्राइमरी विलाई, प्राइमरी विलाई इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा और उसको जो कि कॉलम शेप का होगा और उसको बाहर में एक सेल, एक लेयर ऑफ सेल कवर करेगा, दैट इज कौन होगा, सिस्टोट्रोफोब्लास्ट. तो दिस ये कहाँ बना था, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में बना था, दिस इज प्राइमरी विलाई. अब ये प्राइमरी विलाई क्या होगा, कन्वर्ट होगा सेकेंडरी विलाई में. ठीक है, सेकेंडरी विलाई में क्या होगा, जो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके बीच में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो अंदर इन्वेड कर जाएगा. ठीक है ना, तो इन द सेकेंडरी विलाई फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सबसे पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसके भी बाद भी सिस्टोट्रोफोब्लास्ट. तो इस ऐसा जब विलाई बनेगा तो देन इट इज नोन एज सेकेंडरी विलाई. प्राइमरी विलाई में दो ही लेयर था, अंदर की तरफ साइटो और बाहर की तरफ सिस्टोट्रोफोब्लास्ट. अब क्या होगा, क्योंकि साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था तो वो भी इन्वेजिनेट करके अंदर जाएगा. तो सबसे पहले इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, देन साइटो, देन सिस्टो. तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी विलाई. अब बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक क्या होगा, कैपिलरीज जो होगा अब इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर चले जाएंगे. तो जब वेसल्स बीच में आ जाएंगे तब इसी विलाई को हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी विलाई. ठीक है, देन दिस इज नोन एज टर्शियरी विलाई. आगे क्या होगा, क्योंकि इसको क्या करना है, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को एस्टैब्लिश करना है, तो ये जो प्लेसेंटा की क्लास होगी उसमें डील कर जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, सेकेंड वीक में जो सेकेंड वीक में प्राइमरी विलाई था, अब वो थर्ड वीक में सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी विलाई. तो सेकेंडरी विलाई में क्या चेंज हुआ कि बीच में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लेयर हो गई, और टर्शियरी विलाई में क्या हुआ कि बीच में ब्लड वेसल्स भी इंटर कर गए. तो उस विलाई को हमने क्या बोला, टर्शियरी विलाई और द डेफिनेटिव. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग दैट इज द न्यूरुलेशन. व्हाट इज न्यूरुलेशन, न्यूरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड द न्यूरल क्रेस्ट सेल. न्यूरल ट्यूब क्या बनाता है, न्यूरल ट्यूब क्या बनाता है, टाइम क्या हो बेटा, चलो आपको नेक्स्ट क्लास में मैम बता देंगे. मैम विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूरल.